क्योंकि जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता ना, उसको दुनिया में कोई इज्जत नहीं देता। अपनी जिंदगियों को हल्का मत लेना, इज्जत दो, कदर करो। ये एक जान है प्रूफ करने के लिए, और अगर गिर भी गया तो ये मत कहना कि मैं हार गया, लेकिन शायद तुम किसी के काम आ जाओ जिससे हमारा मुल्क तरक्की कर जाए, हमारी उम्मत के लिए किसी का सहारा बन जाओ। एक ना एक दिन हमारी कश्ती को साहिल जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी लगाई है इसके लिए। क्योंकि जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता ना, उसको दुनिया में कोई इज्जत नहीं देता। अपनी इज्जत करना सीखो, बड़ा सोचो, कोई मकसद बनाओ जिंदगी का, और अल्लाह ताला से दुआ करो कि या अल्लाह मैं तो कमजोर हूं, और तेरा फतवा यही है खुलिकल इंसान दईफ, या अल्लाह मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर ले, या अल्लाह मुझे वो मौका दे कि मैं खिदमत कर सकूं किसी बड़े मकसद की, मैं इस कौम और इस मुल्क के लिए कुछ कर सकूं, मैं वो बीज लगा सकूं जिससे कल को फलदार दरख्त निकलते हों, जिससे कौम फायदा उठाए, मेरा वो सदका जारिया हो जाए कि मैं तो दुनिया से चले जाऊं लेकिन तारीख से कभी ना निकल पाऊं। कि आज भी असलाफ को, पुराने लोगों को याद रखा जाता है, क्या हुआ अगर मैं कुछ बना ना सका, शायद मैं ख्वाब ही दे जाऊं जो मुल्क के पाकिस्तान वजूद में ले आए। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान नहीं देख सके कभी, लेकिन अपनी जान, अपने ख्वाब दे गए वो कौम को, जिस पर कौम ने आगे जाके एक मुल्क तामीर किया। सब मसाइल बड़े हैं हमारे मुल्क के अंदर, परेशानियां बड़ी हैं, लेकिन शायद तुम किसी के काम आ जाओ जिससे हमारा मुल्क तरक्की कर जाए, हमारी उम्मत के लिए किसी का सहारा बन जाओ। अपनी जिंदगियों को हल्का मत लेना, इज्जत दो, कदर करो। ये एक जान है प्रूफ करने के लिए, और अगर गिर भी गया तो ये मत कहना कि मैं हार गया, ये कहना कि मैं हारा हुआ सिपाही हूं जीती हुई फौज का, ये कहना कि अगर कश्ती साहिल से ना लगा सको तो ये मत कहना कि मैं हारा हुआ कप्तान, बल्कि कहना मैं हारा हुआ कप्तान हूं जीती हुई कश्ती का। एक ना एक दिन हमारी कश्ती को साहिल जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी लगाई है इसके लिए। इज्जत करना सीखो इन चीजों को, बाकी असाध्या की दुआएं हैं, मेहनत है, आज का दौर है, आज मेहनत कर लो कल को फल मिल ही जाएगा।